इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। जिस तरीके से बीते 5 दिनों से नर्सें जो है पीएमसीएच में स्ट्राइक पे हैं, साफ तौर पे मांग है कि जो उन्हें हॉस्टल खाली कराया जा रहा है वो तत्काल में उन्हें, जब तक राजधानी पटना में उन्हें दूसरा हॉस्टल नहीं दिया जाए, रहने की इंतजाम नहीं किया जाए, तब तक वो लोग यहाँ से धरने से नहीं हटेंगे। जबकि पीएमसीएच प्रशासन की मानी जाए तो उन्हें राजा पाकर वैशाली भेजा जा रहा है और वहाँ पर इनके रहने का इंतजाम किया जा रहा है। तमाम परेशानी है, ऐसे में इनका धरना बीते 5 दिनों से है और 5 दिनों से धरना होने के बाद यहाँ पे बता दें कि ऐसा हो अफवाह हो, दोनों ने समर्थन किया, लेकिन उसके बाद माले विधायक ने भी अब समर्थन कर दिया। फुलवाड़ी विधायक गोपाल रविदास यहाँ पहुँचे, तस्वीरों में देखे किस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पे गोपाल रविदास पहुँचे थे और यहाँ पे इन लोगों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जो है क्या कुछ निदान निकलेगा इनका, तमाम चीज़ों को लेकर जो है बातचीत की है। और बातचीत करते हुए हमने भी उनसे पूछा कि अगर क्या हुआ, उन्होंने सुपरिटेंडेंट से मिलने की कोशिश की, मिलने के क्रम में क्या कुछ बातचीत हुई, इनकी समस्या के निदान कैसे हुए, तमाम मामलों को लेकर जो है क्या कुछ बता रहे हैं गोपाल रविदास। आइए पहले आपको सुनाते हैं उनसे उनका बयान। पटना के जिलाधिकारी और पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से हमारी अभी बात हुई है और जो छात्रों की मांग है उस छात्रों की मांग को हमने रखा। तो उनका कहना था कि पटना में 8 जगह पर हम लोगों ने देखा, लेकिन सभी लोग बिल्डिंग वाले लोग कागज़ पत्र लेके नहीं आए और मजबूरन हम लोगों को राजा पकड़ में जो अपनी बिल्डिंग है स्वास्थ्य विभाग का वहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन सभी छात्राएं पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो दूसरे जगह पर कैसे होगा। उनकी कहना था कि भाई यहाँ से सुविधाएं बहाल कर रहे हैं तो ये दूसरे जिला के मामले हैं। लोगों का मांग है कि भाई पटना में बहाल है तो पटना में ही एनएमसीएच है, आर्यभट्ट कॉलेज है, सगुना मोड़ है, पटना शहर के आसपास बहुत सारे बिल्डिंग हैं, हमको क्यों नहीं रखा जाए। पीएमसीएच के जो डिमोलिश वाला है विकास काम में बाधा नहीं है। अभी सुपरिटेंडेंट ने कहना था कि साल भर वाला एक तरफ टूटेगा, जो उत्तरी छोर का है दक्षिण छोर बाद में टूटेगा, तो हमने कहा कि दक्षिणी छोर में ले आइए, आप दूसरे जिला में ले जाने पर क्यों तुले हुए हैं। एक तो राजा पार्क बदनाम इलाका है जहां सुरक्षित नहीं है, और फिर वहां बस उपलब्ध कराइएगा तो गंगा सेतु का जो अभी स्थिति देख रहे हैं जाम है, इनका पढ़ाई कैसे लिखाई होगा, वो भी आप ट्रांसफ़र की सूचना इनके गार्जियन तक भी नहीं दे पाए हैं। अचानक निर्णय लिए हैं स्कूल बंद कर देने का, इस तवाम में तो स्कूलें बंद कर देंगे, कहाँ जाएंगे। तो इन सारे सवालों को हमने कहा है पटना के जिलाधिकारी और सुपरिटेंडेंट से भी, हमने ऑप्शन भी दिया मांगा कि अभी तत्काल आप खाली नहीं कराए जब तक आप व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, तो अब तैयार नहीं करें कि जब तक डायरेक्टर लेवल पर नहीं कुछ बात नहीं करेंगे। तो छात्राओं की मांग है कि हमको पटना में ही जो जीएनएम में हम हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज पटना पीएमसीएच के, हमको डिग्री मिलना चाहिए और यहीं पर व्यवस्था हो, सुविधाएं हो, ये मांग है। हम इनके छात्राओं के जो मांग है वो वास्तविक जायज मांग है और सरकार को माननी चाहिए। हम इसके बाद भी पहल हमें माननीय मंगल पांडे जी से बातचीत करने की कोशिश की है, उन्होंने टाइम दिया है और बिहार के सरकार के जो स्वास्थ्य के जो प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत जी से, उनसे भी बातचीत करेंगे कि सभी छात्राओं को जो जायज मांग है ये पूरी कर दिया जाए और पटना के शहर के इर्द गिर्द ही रहने की व्यवस्था किया जाए, ये है। हम तत्काल यहाँ से जाएंगे और व्यवस्था करेंगे। गोपाल रविदास ने समर्थन कर दिया है इन जीएनएम नर्सों का और इसके बाद उन्होंने यहाँ के सुपरिटेंडेंट से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान तमाम मसलों पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद साफ तौर पर माले विधायक गोपाल रविदास का कहना है कि जो इनके लिए पटना जिला में ही रहने का इंतजाम उसके लिए सुपरिटेंडेंट से बातचीत की है और जो सुविधाएं इन्हें पीएमसीएच में मिल रही है, सुरक्षा की बात हो या फिर तमाम सुविधा की बात हो, वो सभी सुविधाएं वहां भी मिलेगी जहां पे जहां इन्हें भेजा जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की, क्या कुछ बताया है गोपाल रविदास माले विधायक ने अपने साफ तौर पर सुना, लेकिन जो इनका 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है आगे जारी रहेगा अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।